हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, डेट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए बेसिक क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन एंड बी बैलेंस शीट। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन सीखा था, जिसमें हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन की डेफिनेशन और उसको क्वेश्चन में समझा था, जो थी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आपको ये क्वेश्चन समझनी है तो इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन, कि अकाउंटिंग क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाए, जिसका सबसे पहला स्टेप है एनालाइज द ट्रांजेक्शन टू असर्टेन टू विच वेरिएबल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इट अफेक्ट्स बाय यूजिंग। फर्स्ट पार्ट में हमने क्लियर वर्ड को एक्सप्लेन किया था। यहाँ क्लियर का फुल फॉर्म है सी इज इक्वल टू कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंस एंड लॉसेस, ए फॉर एसेट्स एंड आर फॉर रेवेन्यू और इनकम और प्रॉफिट। और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एक्सपेंस और रेवेन्यू का है तो उसका इफेक्ट सीधा कैपिटल पे पड़ेगा। यानी यहाँ पर कैपिटल का फॉर्मूला होगा कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। देन आपका सेकेंड स्टेप है decide the effect of transaction on components of accounting equation, that is whether they will increase or decrease assets, liability and capital. And then third step hai, finally record the effect on accounting equation in monetary terms. To teen step hai, summarize kar sakte hain ki sabse pehle aapko analyze karna hai transaction ko clear word ka use karke, then aapko decide karna hai ki aap us variable ko increase karenge ya decrease karenge, एंड देन आपको उसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में रिकॉर्ड करना है इन टर्म्स ऑफ मनी। इन तीनों स्टेप्स को हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अगर बिजनेस के अंदर कभी भी इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो, या बिजनेस प्रॉफिट अर्न करे, या बिजनेस के अंदर कोई एसेट इंट्रोड्यूस हो, या बिजनेस के अंदर कोई लायबिलिटी इंट्रोड्यूस हो, तो इन सभी केसेस में आप वेरिएबल को ऐड करेंगे या इंक्रीज करेंगे। और अगर आप बिजनेस से ड्राइंग करते हैं, या बिजनेस को कोई लॉस होता है, या बिजनेस से कोई एसेट बाहर जाती है यानी बेचा जा सकता है, या उस पर डेप्रिशन लगता है, या बिजनेस से कोई लायबिलिटी को पे किया जाता है, तो इन सभी केसेस के अंदर आप उस वेरिएबल को अकाउंटिंग इक्वेशन में से लेस करेंगे और डिक्रीज करेंगे। तो इसका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट इक्वेशन। ये टोटल 9 ट्रांजेक्शन है जिनको आज हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करेंगे। सबसे पहले हम इन सब ट्रांजेक्शन की अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाएंगे। इसकी हेडिंग होगी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मोहन। टोटल 3 कॉलम बनेंगे। सबसे फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, सेकेंड कॉलम है ट्रांजेक्शन एंड थर्ड कॉलम है अकाउंटिंग इक्वेशन का, विच इज एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है जॉन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपी 40,000। तो यहां पर आपकी दो वेरिएबल इफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट कैश एंड देन बिजनेस स्टार्ट करने पर कैपिटल। देन आप क्लियर वर्क के अकॉर्डिंग इनको असाइन करेंगे। यहाँ कैश जो है वो ए से एसेट्स हैं एंड कैपिटल यहाँ पर कैपिटल है। इस ट्रांजेक्शन से बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रही है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, इसलिए आप इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड करेंगे, यानी ये इंक्रीज हो रहा है। और बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, इसलिए कैश भी बिजनेस के अंदर इंक्रीज होगा। तो यहाँ आप कैश एंड कैपिटल दोनों को ही इंक्रीज करेंगे। तो इन्हें अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करते हैं। यहाँ दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए हैं, एक कैश एसेट के अंदर और दूसरा कैपिटल। सबसे पहले आप सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, देन आप ट्रांजेक्शन के बारे में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, देन कैश में आप लिखेंगे 40,000 एंड कैपिटल में आप लिखेंगे 40,000। देन आप सेकंड ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपी 15,000। तो यहां पर भी दो वेरिएबल इफेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट परचेज गुड्स यानी स्टॉक एंड देन क्रेडिट में खरीदा है इसलिए क्रेडिटर्स। देन आप इसे क्लियर वर्ड का यूज करके असाइन करेंगे।
यहाँ पर स्टॉक आपके लिए एसेट्स हैं एंड क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी है। तो बिजनेस के अंदर जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो इससे स्टॉक बढ़ता है, इससे आपकी एसेट बढ़ती है, और क्योंकि आपने इसे क्रेडिट में परचेज किया है तो इससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर स्टॉक इंक्रीज होगा एंड लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुए हैं, एसेट के अंदर स्टॉक और लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स। दोनों वेरिएबल्स को लिखने के बाद आप सीरियल नंबर 2 डालेंगे, ट्रांजेक्शन की डिटेल लिखेंगे विच इज परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। यहाँ आपका स्टॉक बढ़ रहा है 15,000 से और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं 15,000 से। ध्यान रहे जो वेरिएबल्स पे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट नहीं आ रहा है वहाँ आप 0 लिखेंगे। दो ट्रांजेक्शन को पुट करने के बाद आप यहाँ न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे जो बहुत सिंपल है। यहाँ आपको सिंपली फर्स्ट ट्रांजेक्शन एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन का सम करना है। तो यहाँ कैश है 40,000 प्लस स्टॉक है 15,000 इक्वल टू क्रेडिटर्स 15,000 प्लस कैपिटल 14,000। देन आप थर्ड ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। तो यहाँ दो वेरिएबल इफेक्ट डाल रहे हैं, एक आप कैश कर रहे हैं, दूसरा आप एक एसेट खरीद रहे हैं विच इज फर्नीचर। देन आप अगेन क्लियर वर्ड का यूज करके इसे असाइन करेंगे। यहाँ कैश जो है वो आपके लिए एसेट है और फर्नीचर भी आपके लिए एसेट है। क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है इसलिए एसेट लेस होगी, और बिजनेस में आप फर्नीचर खरीद रहे हैं इसलिए एसेट में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एसेट यानी कैश एक बार डिक्रीज होगा और एसेट यानी फर्नीचर इंक्रीज होगा। तो ट्रांजेक्शन को पुट करते हैं। सबसे पहले आप एसेट के अंदर एक और न्यू वेरिएबल ऐड करेंगे विच इज फर्नीचर। देन आप सीरियल नंबर में लिखेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन की डिटेल विच इज परचेज फर्नीचर और देन इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ कैश जा रहा है इसलिए कैश में से आप लेस करेंगे -10,000। फर्नीचर आ रहा है इसलिए आप ऐड करेंगे फर्नीचर 10,000। देन आप अगेन न्यू इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। न्यू इक्वेशन यहाँ पर होगी 40-10 इज इक्वल टू 13,000 प्लस स्टॉक 15,000 प्लस फर्नीचर 10,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 15,000 एंड कैपिटल 40,000। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फोर्थ पेड रेंट ₹300 एंड सैलरी ₹700। तो यहाँ पर भी दो वेरिएबल इफेक्ट डाल रहे हैं। फर्स्ट आप पेड कर रहे हैं इसलिए कैश आएगा, एंड देन रेंट और सैलरी दोनों ही एक्सपेंस हैं इसलिए एक्सपेंस पे इफेक्ट डालेंगे। नाम दोनों को असाइन करेंगे। यहाँ कैश जो है वो एसेट है और एक्सपेंस जो है वो इफेक्ट डालती है कैपिटल पर। क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है एसेट जा रही है इसलिए आप इसे लेस करेंगे, और आपके इधर एक्सपेंस हो रहे हैं इसलिए आप कैपिटल में भी लेस करेंगे यानी डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ कैश में आप लिखेंगे डिक्रीज और कैपिटल में लिखेंगे आप डिक्रीज। देन इसे आप पुट करेंगे। फोर्थ सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन है पेड रेंट एंड सैलरी। यहाँ कैश रिड्यूस होगा 1,000 से एंड कैपिटल को आप रिड्यूस करेंगे यानी लेस करेंगे 1,000। देन आप अगेन ड्यू इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ कैश आपका रिमेनिंग बचता है 29,000, आपका स्टॉक है 15,000, फर्नीचर है 10,000, क्रेडिटर्स है 15,000 एंड कैपिटल है 39,000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 ऑन क्रेडिट ₹15,000। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। जब भी आप गुड्स को सोल्ड करते हैं तो ये टोटल 3 जगह इफेक्ट डालता है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपने गुड्स को सोल्ड किया है इसलिए स्टॉक पे इफेक्ट आएगा, आपने क्रेडिट में किया है इसलिए डेटर्स पे इफेक्ट आएगा, और आपने इससे कोई प्रॉफिट या लॉस अर्न किया होगा इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट आएगा। देन आप इसे असाइन करेंगे यूजिंग क्लियर वर्ड। तो यहाँ स्टॉक आपका एसेट है और डेटर्स आपके एसेट हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट डालते हैं कैपिटल पर। देन क्योंकि आप गुड्स सोल्ड कर रहे हैं इसलिए एसेट रिड्यूस होगी, डेटर्स बढ़ रहे हैं इसलिए एसेट इंक्रीज होगी, और आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसलिए कैपिटल इंक्रीज होगा। तो आप स्टॉक को डिक्रीज करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे एंड डेटर्स को इंक्रीज करेंगे। स्टॉक डिक्रीज होगा 12,000 से। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही लेस होता है। तो यहाँ कॉस्ट आपकी 12,000 है इसलिए आप डिक्रीज करेंगे स्टॉक को 12,000 से, डेटर्स को आप इंक्रीज करेंगे ₹15,000
यहाँ आपने 12,000 के गुड्स 15,000 में बेचे हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ 3,000। देन आप इसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में पुट करेंगे। पुट करने से पहले यहाँ पर एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज डेटर्स, तो आप एसेट के अंदर डेटर्स को लिखेंगे। देन आप इसे मॉनिटर टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे। सीरियल नंबर है 5, ट्रांजेक्शन लिखेंगे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक में से आप लेस करेंगे 12,000, डेटर्स आपके इंक्रीज होंगे 15,000 एंड प्रॉफिट आपने अर्न किया है इसलिए कैपिटल में ऐड करेंगे 3,000। देन आप न्यू इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कैश है 29,000, स्टॉक है 3,000, फर्नीचर है 10,000, डेटर्स हैं 15,000। ऐसे ही लाइबिलिटी प्लस कैपिटल को सॉल्व करेंगे। क्रेडिटर्स हैं 15,000 के और कैपिटल है 42,000। ये आपकी न्यू इक्वेशन है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को सॉल्व करेंगे। 6 जो है पेड टू क्रेडिटर्स रुपी 8,500। यहाँ पर भी आपके दो वेरिएबल इफेक्ट डाल रहे हैं, एक कैश क्योंकि पेड कर रहे हैं और दूसरा क्रेडिटर्स। क्लियर वर्ड का यूज करके आप इन्हें असाइन करेंगे। यहाँ कैश आपके लिए एसेट है और क्रेडिटर्स आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आप पे कर रहे हैं इसलिए एसेट रिड्यूस होगी और लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है इसलिए इसे भी आप डिक्रीज करेंगे। तो कैश यहाँ पर डिक्रीज होगा और क्रेडिटर्स भी यहाँ पे डिक्रीज होंगे। देन इसे आप रिकॉर्ड करेंगे। सीरियल नंबर 6, ट्रांजेक्शन है पेड टू क्रेडिटर्स, लेस करेंगे कैश 8,500 या लेस करेंगे क्रेडिटर्स 8,500। देन न्यू इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कैश आपका रिमेनिंग बचेगा 20,500, स्टॉक है 3,000, फर्नीचर है 10,000, डेटर्स हैं 15,000 के, क्रेडिटर्स भी रिमेनिंग बचेंगे 6,500 एंड कैपिटल है 42,000। द नेक्स्ट 7 ट्रांजेक्शन रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपी 1,500। यहाँ रिसीव कर रहे हैं इसलिए कैश पे इफेक्ट आएगा और इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं इसलिए रेवेन्यू पे इफेक्ट आएगा। क्लियर वर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ आपका कैश जो है वो एसेट है और रेवेन्यू जो है वो कैपिटल पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि कैश आ रहा है इसलिए एसेट में ऐड करेंगे, इंक्रीज करेंगे और इनकम अर्न करने से कैपिटल इंक्रीज होती है इसलिए इसमें भी ऐड करेंगे। तो एसेट आपकी यहाँ इंक्रीज होगी और कैपिटल भी आपकी यहाँ इंक्रीज होगी। देन इसे रिकॉर्ड करेंगे। सीरियल नंबर 7, इंटरेस्ट रिसीव, कैश इंक्रीज होगा 1,500 से एंड कैपिटल भी इंक्रीज होगा 1,500 से। देन आप अगेन न्यू इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ न्यू इक्वेशन में कैश आएगा 22,000, स्टॉक आएगा 3,000, फर्नीचर आएगा 10,000, डेटर्स आएंगे 15,000, क्रिएटर्स हैं 6,500 एंड कैपिटल है 43,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 8, विड्रो कैश फॉर प्राइवेट यूज रुपी 4,000। तो आप विड्रॉ कैश कर रहे हैं इसलिए कैश पे इफेक्ट आएगा एंड प्राइवेट यूज के लिए जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, तो ड्राइंग पे इफेक्ट आएगा। देन आप असाइन करेंगे। यहाँ कैश जो है वो आपके लिए एसेट है और ड्राइंग जो है वो कैपिटल पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि कैश विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए एसेट रिड्यूस होगी, उसमें से लेस करेंगे और ड्राइंग कर रहे हैं इसलिए कैपिटल भी रिड्यूस होगी। तो यहाँ एसेट डिक्रीज करेंगे एंड कैपिटल को भी डिक्रीज करेंगे। देन इसे रिकॉर्ड करते हैं। सीरियल नंबर 8, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, कैश रिड्यूस होगा 4,000 से, रिमेनिंग सेम रहेगा और कैपिटल को लेस करेंगे 4,000 से। देन आप न्यू इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ कैश आपका रिमेनिंग बचेगा 18,000, स्टॉक डेटर्स एंड फर्नीचर सेम रहेंगे, क्रेडिटर्स भी आपको सेम लिखना है एंड कैपिटल में रिमेनिंग अमाउंट आएगा 39,500। देन लास्ट ट्रांजेक्शन 9, बॉट गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपी 8,000 एंड पेड रुपी 5,000 इमीजिएटली। ये ट्रांजेक्शन भी तीन जगह इफेक्ट डाल रहा है। सबसे पहले आपने गुड्स खरीदे हैं इसलिए स्टॉक पे डालेगा, आपने कुछ अमाउंट पे किया है इसलिए कैश पे डालेगा और कुछ अमाउंट रिमेनिंग रहता है इसलिए क्रेडिटर्स पे इफेक्ट आएगा।
देन आप इसे असाइन करेंगे। यहाँ स्टॉक जो है वो एसेट है, कैश भी आपके लिए एसेट है और क्रेडिटर्स जो है आपके लिए लायबिलिटी है। तो यहाँ आप पे कर रहे हैं इसलिए एसेट रिड्यूस होगी, आप स्टॉक खरीद रहे हैं इसलिए एसेट इंक्रीज होगी, और लायबिलिटी कुछ अमाउंट पे करना बाकी है इसलिए लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ आप स्टॉक को इंक्रीज करेंगे, क्रेडिटर्स को भी इंक्रीज करेंगे एंड कैश को डिक्रीज करेंगे। यहाँ एसेट को इंक्रीज करेंगे 8000 से, कैश आपने पे किया 5000 इसलिए डिक्रीज करेंगे 5000 से, और रिमेनिंग अमाउंट बचता है 8000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 3000, तो आप क्रेडिटर्स को इंक्रीज करेंगे 3000 से। देन इसे रिकॉर्ड करते हैं। 9 ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम राम एंड पेड कैश, कैश रिड्यूस होगा 5000, स्टॉक बढ़ेगा 8000 से, क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे 3000 से एंड कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देन न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखना जब आप फाइनल ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं तो उसके बाद जो आप इक्वेशन लिखते हैं उसे आप न्यू इक्वेशन की जगह लिखते हैं फाइनल इक्वेशन, क्योंकि ये लास्ट ट्रांजेक्शन है। कैश बचा 13000, स्टॉक है 11000, फर्नीचर है 10000, ट्रेडर्स हैं 15000, क्रेडिटर्स आपके हो गए 9500 एंड कैपिटल हो गया 39500। तो ये आपके टोटल 9 ट्रांजेक्शन थे जिनको हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट किया और उनको सॉल्व किया, जिससे आपकी फाइनल इक्वेशन ये थी। ये पूरा क्वेश्चन है, एक बार आप देख लीजिए। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्वेश्चन को परफेक्ट करने के लिए जीरो लिखना है जिन ट्रांजेक्शन पे आपने इफेक्ट नहीं डाला था प्रीवियस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग। देन आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है विद द हेल्प ऑफ लास्ट इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट का मतलब समझते हैं। बैलेंस शीट का मीनिंग है, अ बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ व्यू टू मेजर द एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन फिक्स डेट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जिसे फाइनेंशियल पोजिशन को देखने के लिए एक फिक्स डेट पे प्रिपेयर किया जाता है। इसका फॉर्मेट देखते हैं जिसकी हेडिंग है बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च, और उसके बाद आपको ईयर लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका फॉर्मेट बहुत सिंपल है, इसकी भी दो साइड्स हैं, लेफ्ट साइड को लायबिलिटी साइड बोलेंगे एंड राइट साइड को एसेट साइड बोलेंगे। इसकी लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे लायबिलिटीज एंड अमाउंट का कॉलम और राइट साइड में लिखेंगे एसेट एंड अमाउंट का कॉलम, इसका फॉर्मेट है। तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग क्वेश्चन में चेक करेंगे कि टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। तो एसेट में आपके 4 वेरिएबल्स हैं, लायबिलिटी में आपका 1 है एंड देन कैपिटल है। तो इसे इनपुट करेंगे। सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च। लेफ्ट साइड आपकी लायबिलिटी साइड है और राइट साइड आपकी एसेट साइड है। सबसे पहले हम एसेट को पुट करेंगे। टोटल एसेट के 4 वेरिएबल्स है, फर्स्ट है कैश, सेकंड है स्टॉक, थर्ड है फर्नीचर एंड फोर्थ है डेटर्स। ऐसे लायबिलिटी में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स एंड कैपिटल, और इनके जो अमाउंट आएंगे वो अमाउंट होंगे जो आपने फाइनल इक्वेशन में लिखे थे। तो फाइनल इक्वेशन का अमाउंट ये है, इन सबको आप पुट करेंगे। यहाँ कैश आएगा 13000, स्टॉक आएगा 11000, फर्नीचर आएगा 10000 एंड डेटर्स आएगा 15000। क्रेडिटर्स है आपके 9500 एंड कैपिटल थी आपकी 39500। देन आप दोनों साइड का टोटल कर देंगे। अगर आपके दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही बनाई है, और यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। इस चैप्टर के आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं Facebook एंड Instagram पर फॉर क्वेश्चन क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक कीजिए बेल आइकन पर फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।